हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन लविंग ऑटोमोटिव चैनल टॉर्क एंड टूर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम कार एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं, तो आज के एपिसोड में हमारा जो टॉपिक है वो है कार मोबाइल चार्जर। और इस वीडियो के अंदर मेरे पास दो कार मोबाइल चार्जर हैं। एक जो फर्स्ट है ये सुजुकी की जो जेन्युइन एक्सेसरीज में आता है, ये वो वाला मोबाइल चार्जर है। और दूसरा जो है ये है ब्लॉपंक का। ब्लॉपंक एक जाना माना जर्मन ब्रांड है जो कार एक्सेसरीज की दुनिया में काफ़ी अपनी अच्छी एक रेपुटेशन रखता है। तो आज इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि किस चार्जर के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा चार्जर आपके लिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुजुकी की जेन्युइन एक्सेसरीज के साथ ये वाला चार्जर आता है इसकी। अगर आप देख पा रहे हूँ ये जो चार्जर है, चलिए इसे एक बार खोल के देखते हैं कि क्या क्या इस चार्जर के साथ आपको मिलता है। दोस्तों, इस चार्जर के साथ आपको ये चार्जर यूनिट और साथ में ये इंस्ट्रक्शन बुक, मैनुअल या जो कुछ भी आप इसे कहें, ये जो चार्जर है ये GND ब्रांड का है। आप देख सकते हैं ये GND ब्रांड का है, और मारुति सुजुकी अपनी लेबलिंग के साथ इस चार्जर को जेन्युइन एक्सेसरीज के साथ देती है। और अगर आप इस चार्जर को फर्दर आगे निकाल के देखें तो ये मैक्सिमम आउटपुट जो है इसकी 3.1 एम्पियर। ये सिंगल दो इसके पोर्ट्स हैं, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स हैं, और दोनों में ये एक ही आउटपुट दोनों में देता है, चाहे आप इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें। जैसे होता है डिफरेंट चार्जर्स में होता है कि अगर आप दो चार्जिंग पोर्ट्स वाला चार्जर लेते हैं तो एक में फास्ट चार्जिंग यूनिट मिलता है और दूसरे में नॉर्मल चार्जिंग के लिए यूनिट होता है। इस चार्जर की खासियत क्या है कि इसके ऊपर ये एक डिस्प्ले दे रखा है, जो अभी हम आपको इसको यूज करके दिखाएंगे। इसके ऊपर डिस्प्ले दे रखा है जो आपके जो गाड़ी की जो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट मिलेगी, जैसे 12 वोल्ट होता है तो इसके अंदर 12 वोल्ट या 12 पॉइंट समथिंग जो भी इसकी वोल्टेज आउटपुट होगी वो दिखाएगा। साथ में कितने एम्पियर का आपका जो फोन है वो चार्जिंग ले रहा है वो दिखाएगा। तो इस तरह से ये कुछ एक गिमिक सा फीचर है जो आई थिंक यूजलेस है, जो इसमें आपको दिखाया जाएगा। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो ये वाला चार्जर जो है इसके ऊपर 1199, जी हाँ दोस्तों, 1199 रुपए का चार्ज इस पे लिखा हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जहां भी जिस भी कंपनी से आप जेन्युइन एक्सेसरीज को खरीदते हैं वो लगभग आपको उसी दाम पे वहां पे मिलते हैं। और सबसे बड़ी इस चार्जर की एक ड्रॉबैक है कि इसके साथ आपको किसी तरह की कोई चार्जिंग केबल, डाटा केबल, किसी तरह की कोई लीड आपको पावर लीड नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। अगर इस चार्जर को आपको अपनी कार के अंदर यूज करना है तो आपको अलग से एक केबल खरीदनी पड़ेगी, या तो अपने फोन के जो साथ में जो ओरिजिनल केबल आती है आप उसको ले आएं, या फिर एक अलग से अच्छी सी ब्रांडेड एक केबल खरीदें और उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे चार्जर की बात करते हैं जो है ब्लॉपंक का। दोस्तों, ये चार्जर है ब्लॉपंक का। एट प्रेजेंट मैं इसे यूज कर रहा था गाड़ी के अंदर, तो ये बाहर मैंने निकाल रखा है। बाकी ये इसके अंदर भी वैसे ही एक इंस्ट्रक्शन बुक है। और अभी बात करें इस चार्जर की तो ये चार्जर 990 रुपये MRP इस चार्जर के ऊपर है, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से अप्रोक्स 5-6 महीने पहले परचेज किया था। तो उस टाइम ये चार्जर मुझे 400 समथिंग का पड़ा था, 400 कुछ रुपए में मैंने इसे चार्जर को यूज किया था। और अगर मैं इन दोनों को हाथ में पकड़ के जेन्युइनली अगर फील की बात करूं तो ये ब्लॉपंक बाजी मार जाता है। ये एक हल्का सा दिखने वाला कुछ चार्जर लगता है, वहीं अगर आप ब्लॉपंक को देखें तो आप खुद देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ब्लॉपंक वाले इस चार्जर की। सबसे पहली जो प्लस पॉइंट है वो है कि ये वाली जो केबल है, पावर केबल है, पावर लीड है, डाटा केबल है, वो इसके साथ आपको मिलती है। और इस केबल को आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे जो फीचर होता है उसके अंदर अगर आप एंड्रॉयड ऑटो के साथ इस केबल को यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सीमलेसली ये परफॉर्म करती है, और सारे फीचर्स आपके एंड्रॉयड ऑटो के इसके साथ चलते हैं। एक और प्लस पॉइंट है कि अगर आपका फोन जो सी टाइप चार्जर है तो वो भी इसके साथ लगता है, और अगर माइक्रो USB जो पहले आया करता था चार्जर वो है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। तो ये जो चार्जर है ये दो तरह की चार्जिंग आपको प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर जो ऊपर वाला पोर्ट है ये आपको 2.4 एम्पीयर जो नॉर्मल चार्जिंग के लिए दिया गया है, और दूसरा है 3.0 जो फास्ट चार्जिंग QC लिखा है यहाँ पे, ये जो क्विक चार्जिंग के लिए ये वाला पोर्ट यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बार इन्हें कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से फोन में कनेक्ट करने पे जो अलग अलग जब हम पोर्ट्स में इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या आपको ये फैसिलिटी देता है, क्या बाकी ये क्विक चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है या इसी तरह से यहाँ पे एक लिख रखा है और इस तरह का कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए सारी बातें आगे टेस्ट करते हैं वीडियो में और अपनी आंखों से खुद देख के इसे डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों यहां तक बात हो गई इनके फीचर्स की और इनके प्राइसेस की, अब बात कर लेते हैं इनकी फंक्शनिंग की। ये देखिए ये वाला चार्जर है सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरी वाला चार्जर, इसे भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ स्क्रैचेज इस पे आ गए हैं। तो इसको यहाँ पे इसके डिस्प्ले है तो इसको सबसे पहले प्लग इन करते हैं और देखते हैं किस तरह की चार्जिंग फैसिलिटी ये वाला चार्जर आपको प्रोवाइड करवाता है। 12.4 वोल्ट्स देखिए ये एम्पेयर दिखाएगा कितना आपका फ़ोन चार्जिंग के लिए यूज़ कर रहा है और साथ में आप टेम्परेचर दिखाता है। दोस्तों यहाँ पे इसे प्लग इन किया और ये आपको यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा है। देखिए कोई फास्ट चार्जिंग वाली ये ऑप्शन नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए एक बार इस पोर्ट को चेंज कर देते हैं और दूसरी पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ भी आप नज़र मारिए तो सिर्फ चार्जिंग ही आपको दिखा रहा है, कोई फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन इस चार्जर के अंदर नहीं है। चलिए दोस्तों इसे चेंज करते हैं और दूसरा जो हमारे पास चार्जर है जो ब्लॉपंक वाला चार्जर, ये वाला चार्जर एक बार इसे कनेक्ट करते हैं और इसकी चार्जिंग के बारे में देखते हैं किस तरह की चार्जिंग ये प्रोवाइड करवाता है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है 2.4 एम्पेयर और QC 3.0 मतलब क्विक चार्ज 3.0 एम्पेयर। तो ये चार्जर हो गया है कनेक्ट और पहले हम यूज करेंगे नॉर्मल 2.4 वाले जो पोर्ट है उसे। यहां आप नजर मारिए ये सिर्फ चार्जिंग मतलब सिंपल नॉर्मल चार्जिंग, ये देखिए एक बार मैं इसे दोबारा आपको प्लग इन करके दिखाता हूँ, ये नॉर्मल चार्जिंग यहाँ पे दे रहा है मतलब फास्ट चार्ज ये वाला नहीं है। तो अब इसको यूज़ करते हैं हम दूसरा पोर्ट जो 3.0 वाला है। अब हम इसको दूसरे पोर्ट में प्लग इन करते हैं और आप यहाँ पे देखिए ये फास्ट चार्जिंग, ये जो दूसरे वाले पोर्ट में अगर मैंने इसे कनेक्ट किया तो ये फास्ट चार्जिंग पे आ गया है। मतलब इसके अंदर जो दो पोर्ट्स हैं इनमें से एक नॉर्मल जो रेगुलर चार्जिंग आपके फ़ोन को मिल रही है उसके लिए है और जो दूसरे वाला है ये है क्विक चार्ज मतलब फास्ट चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों इस तरह से इन दोनों चार्जर्स की फंक्शनिंग है जो आपने अपनी आंखों से देख ली है। जो तो मारुति सुजुकी की जो जेन्युइन एक्सेसरी वाला चार्जर था ये वाला, इसके अंदर जो आपको दो पोर्ट मिल रहे थे ये दोनों एक ही तरह की चार्जिंग प्रोवाइड करवाते हैं, इनमें से कोई भी आपको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन नहीं देता है। जबकि जो तो है ब्लॉपंक का चार्जर, इसमें से एक नॉर्मल चार्जिंग और दूसरा आपको क्विक चार्ज मतलब फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन देता है। वहीं पे दोस्तों मैंने इन दोनों को अपने हाथ पे रखा हुआ है एक साथ से, तो आप यहाँ से इनके जो साइज है उनका भी एक एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जेन्युइन एक्सेसरीज वाला ये चार्जर है ये थोड़ा हैवी है, थोड़ा बड़ा है साइज में, हो सकता है इस डिस्प्ले की वजह से इसका साइज़ बड़ा हो, लेकिन जो ब्लॉपंक का है ये काफ़ी छोटा सा है और अगर मैं इसे अपने हाथ की बड़ी फिंगर के ऊपर रखूं तो आप यहां देख सकते हैं कि ये लगभग उसी साइज़ का और उसी मोटाई का है। तो इस तरह से दोस्तों इन दोनों चार्जर्स के बारे में जो पॉसिबल जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा सकते थे वो हमने पहुंचा दी है। इन दोनों को हमने जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आपको दिखा दी हैं, जो साइज हैं वो भी आपको दिखा दिए हैं, क्या क्या किस चार्जर के साथ आपको एक्सेसरीज इसके बॉक्स के अंदर मिलती है वो भी हमने आपको दिखा दी है। अब बात आती है वारंटी की, तो दोनों ही चार्जर के साथ आपको एक साल की ब्रांड वारंटी मिल जाती है। और वहीं पे अगर बात करें कि कौन सा चार्जर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों अगर तो आप ये जो फीचर इस चार्जर के साथ दिए गए हैं अगर आप उनसे प्रभावित हैं तो ये वाला चार्जर
आप लेके खुश रहेंगे। लेकिन वहीं पे आपको प्राइस को ध्यान में रखना जरूर है, क्योंकि ये चार्जर आपको 1000 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है, इसके साथ आपको केवल अलग से खरीदनी पड़ेगी। अगर हम बात करें ब्लॉपंक के चार्जर की, तो ये चार्जर जो है ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि इस चार्जर के साथ आपको कंप्लीट चार्जिंग मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग इसके साथ मिल जाती है, ब्रांड वारंटी भी मिल जाती है। और ये भी कोई लोकल चार्जर नहीं है, ब्लॉपंक का एक इंटरनेशनल ब्रांडेड चार्जर है। और ये चार्जर आपको साथ में एक बढ़िया एक जो डाटा केबल, जो यूएसबी केबल, जो पावर केबल आपको देता है, वो आपको एंड्रॉयड ऑटो के फीचर्स में भी काम आ जाता है। तो दोस्तों आप दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा चार्जर आपको खरीदना है। और किसी भी तरह का अगर आपका कोई और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहां पे कमेंट में जाके इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।